एनआरसी के टाइम भी उनको यही लग रहा था कि हमें देश से निकलवाने के लिए कानून लाया जा रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। क्या किया गया था कि जो हमारे देश के मूल निवासी जो इस देश के हैं उनको हक दे और जो नहीं है उनको निकाले। भाई जो जिनके हमारे देश में काम नहीं वो कीड़े मकोड़े हमारे देश में क्यों रहे, यही बात थी। लेकिन उन लोगों ने क्या धारणा बताई, नहीं सीएनआरसी आ रहा है मतलब कि इस देश से सब मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये अपने अपने धब से पहले अपने माथे में सेकुलरिज्म तो लिखवाया है, लेकिन सच्चाई ये कि सेकुलरिज्म को फॉलो वो नहीं हम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, अभी आपने एक नाम लिया दलित, हो क्या गया है दलित और हिंदू को अलग कर दिया गया है। एक्चुअल में हम दोनों अलग नहीं हैं, हम दोनों एक हैं, हम दोनों ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, वैश्य ये भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरण से शूद्र, हम चारों अलग नहीं है, हम चारों ब्रह्मा के अंग हैं और हमें वैश्य राजपूत ब्राह्मण शूद्र दलित बोल के अलग कर दिया गया है। हम चारों एक ब्रह्मा के अंग से हैं और अगर हम चारों में से कोई एक भी छिन्न हुआ तो ब्रह्मा अपाहिज कहलाएंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और रही आपकी दूसरी बात कि सेकुलरिज्म का जो झंडा लेके घूम रहे वो इस बात को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे, वो इसलिए इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे क्योंकि उनको देश को तोड़ने वाली नीति पसंद है। उनको देश तोड़ा कैसे जाता है, देश में जातिवाद की राजनीति कैसे की जाती है, धार्मिक राजनीति कैसे की जाती है, उनको उससे मतलब है। देश का कल्याण हो, देश का विकास हो, देश गर्ग में जाए, उनको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। अगर ये जो पढ़ा लिखा वर्ग है अगर ये साथ में आ जाता है, जो देश के तमाम और मुद्दे भी हैं जो भले के लिए हैं मुद्दे हैं, तो इसमें कहीं विपक्ष को नुकसान होगा, ऐसा कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है जिससे देखिए नहीं आने देना चाहते। देखिए हाँ, ये बात आप सच्चाई कह रहे हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। अभी बहुत सारे बात उछल रहे हैं कि 2014 से हिंदू मुसलमान हो रहा है, मैं आपको एक सच्चाई बताऊं कि इस देश में अभी हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, अभी हिंदुओं के लिए भी सोचा जा रहा है। एक समय की सरकार थी जिसने, जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी रह चुके, उन्होंने ऐलान करा था कि इस देश के संसाधनों पर सर्वप्रथम हक मुसलमानों का है, उनको हिंदुओं से इतनी बैर क्यों। आज अगर कुछ हो रहा है, मौजूदा जो सरकार है वो हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर कैटेगरी में लेके चल रही है। और हाँ, अगर हम दोनों इसी तरह बराबरी में चलते रहे, जैसे कि दो बार बीजेपी की सरकार आई है, उनको कहीं ना कहीं विपक्ष को इससे नुकसान है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये नियम लागू ना हो। अच्छा, आपने मुस्लिम वर्ग कहा ही है, तो ये जो यूसीसी है ये तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में रहेगा। जी जी जी, 100% जी, लोगों पे जी, रहेगा। जी जी, और सबसे ज्यादा असर तो हमारे 80% जो हिंदू आबादी है उस पर रहेगा, बाकी बची हुई पे रहेगा। तो ये जो मुस्लिम वर्ग है ये क्यों मान के बैठा है कि ये यूसीसी उनके लिए लाया जा रहा है। देखिए सीएनआरसी के टाइम भी उनको यही लग रहा था कि हमें देश से निकलवाने के लिए कानून लाया जा रहा है, ऐसा कुछ था नहीं। क्या किया गया था कि जो हमारे देश के मूल निवासी जो इस देश के हैं उनको हक दे और जो नहीं है उनको निकाले। भाई जो जिनके हमारे देश में काम नहीं वो कीड़े मकोड़े हमारे देश में क्यों रहे, यही बात थी। लेकिन उन लोगों ने क्या धारणा बताई, नहीं सीएनआरसी आ रहा है मतलब कि इस देश से सब मुसलमानों को बाहर निकाला जा रहा है। तो ये अपनी अपनी धारणा होती है। ये सिर्फ अभी हमने 5 कानूनों की मांग की है कि 5 कानून रद्द किए जाए जो काले कानून है, और 5 कानून आए जो हम सब के लिए ज़रूरी है, हम सबको एक समान। अगर आप समानता की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का अगर ये देश है तो हम चारों को एक जैसा देखा जाए ना, तो फिर ये भेदभाव क्यों, उनको मानना चाहिए। और अगर नहीं मान रहे हैं तो भाई अब उनको पढ़ा लिखा अनपढ़ का उपाधि देंगे और क्या कर सकते हैं। और ये जो हमारे जो विधायक हैं और जो समाज के और जो बड़े ठेकेदार हैं, हमारे नेता हैं, तो ये यूसीसी के लिए इतना घबरा क्यों रहे हैं, ये क्यों नहीं आने देना चाह रहे। देखिए एक बात तो सच्चाई है कि यहाँ पे अभी तक 70 साल तक नहीं आने दिया है, ये था तो बहुत पहले से लेकिन अभी तक आने ही नहीं दिया है। वैसे राम मंदिर का मुद्दा भी बहुत पहले का था, 370 का भी मुद्दा बहुत पहले का था, ऐसे बहुत सारे मुद्दा थी हमारे देश में मौजूद जो बहुत जनहंग थी, लेकिन वो उसको ख़त्म नहीं करने दिया गया, उसको सही तरीके से लागू नहीं करने दिया गया। 70 साल से ये सरकार थी ना, अगर उनको हमारे देश की भलाई के लिए कुछ सोचना था तो वो लागू करती, वो हमारे देश हित में कानून लाती, उसने ऐसा किया नहीं किया। तो अभी भी वो उसी क्रम में है सर, इसलिए उनको घबराहट हो रही है कि जो काम 70 साल से इनकी सरकारों ने नहीं किया वो अगर ये सरकार करेगी तो कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक पूरी की पूरी दशा खराब हो सकती है, और इसी चीज़ से ये डर रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, ये जो राम मंदिर और सीसीए ये सब तो चलिए धार्मिक मुद्दों में मोड़ दिया गया, सीसीए भी वैसे तो ये पॉलिटिकल था लेकिन उसको धार्मिक तरीके से मोड़ दिया गया, ये यूसीसी भी है तो पॉलिटिकल, अगर इसे भी धार्मिक तरफ से मोड़ दिया जाए तो इसमें युवा वर्ग क्या सोचेगा। देखिए युवा वर्ग सबसे पहली बात मैं आपको बता दूँ, इतना समझदार हो चुका है कि उनको सच्चाई समझ में आएगा। अभी आपने
जब बात धर्म की हुई तो मैं आपको एक बात बताऊं, सबको अपने धर्म प्रिय हैं, आपको अपने धर्म प्रिय हैं, छोटे छोटे लड़के बच्चे भी टोपी लगाने से नहीं शरमाते हैं, हमें शर्म आती है। यहाँ के युवा युवा वर्ग की बात, युवा की जब बात होती है वो तिलक लगाने से शरमाते हैं। तो दिक्कत ये है, अगर इसको भी धार्मिक माहौल में जोड़ते हैं, ये लोग अगर जोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा देश हित के काम करते हैं। RSS का भी एक ही काम है कि हम देश हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन उसको भी एक धार्मिक उपाधि दी गई कि ये एक धर्म के लिए काम करता है, सबके लिए नहीं। लेकिन सच्चाई ऐसा नहीं है, हम अपने लिए, अपने देश के हित में, अपने धर्म के हित में, अपने विकास के लिए सोचते हैं, जिसको ये धार्मिक माहौल में घुमा के इसे खराब करना चाहते हैं। अगर इसको भी ऐसा खराब करें तो फिर भाई देश तो नहीं जलने देंगे, इसकी जानकारी, इसकी आप जिम्मेदारी हम पे छोड़ सकते हैं, हम देश तो नहीं जलने देंगे। और हम यही अनुरोध करेंगे कि आप चीज़ों को समझें, देश की संपत्ति जलाने से पहले या देश को जलाने से पहले एक बार जरूर सोचें।